हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माता मनसा देवी के माता के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो माता मनसा देवी का ये जो मंदिर है पंचकूला में स्थित है। तो ये सामने माता के मंदिर के बाहर का नज़ारा है। तो अभी हमने जूते उतारे यहाँ पे। तो जो ये सामने जो दुकानें दिख रही हैं, इन सभी दुकानों में जो है जूता उतारने के लिए फ्री सेवा है। तो यहाँ से प्रसाद वगैरह भी मिल जाता है माता के मंदिर के लिए, और यहाँ पे जूते भी वगैरह उतार दिए जाते हैं। तो ये बाहर है मार्केट, और ये सामने जो है इस मार्केट के माता के मंदिर का रास्ता है। तो ये सामने है माता के मंदिर के लिए एंट्री। अभी भीड़ कम है, तो पहले जब भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ पे हर जगह लाइन लगी होती है। माँ मनसा देवी जी का ये मंदिर पंचकूला में स्थित है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पिंजौर से भी आ सकते हैं और बाया चंडीगढ़ भी आ सकते हैं। तो माता मनसा देवी के इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पे चैत्र और अश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं उस वक्त यहाँ पे मेला लगता है, और यहाँ पे लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे माता के दरबार में आते हैं और माता से मन्नत मांगते हैं, और माता उन सब की जो मनोकामना होती है उसको पूरी करती है। सामने माता का मंदिर है, अंदर के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी मना है, तो अंदर का जो फ़ोटो और वीडियो मैंने क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ पे एक पेड़ है पीपल का, तो यहाँ पे लोग माता के दरबार में आके मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे डोरियाँ बांधते हैं पेड़ पे। मंदिर के परिसर में धूप जगाने के लिए जगह बनाई गई है, यहाँ पे श्रद्धालु धूप जगाते हैं। और सामने माता मनसा देवी जी का मुख्य मंदिर है। तो मंदिर के परिसर में भगवान शिव जी का मंदिर है। अभी मैं आपको भगवान शिव जी के दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे भगवान शिव जी का मंदिर है। माता मनसा देवी जी के इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। माता मनसा देवी जी के इस मंदिर का निर्माण मणिमाजरा के राजा गोपाल सिंह द्वारा 1815 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर का निर्माण उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद करवाया था। मंदिर के परिसर में एंट्री गेट पे शेर की मूर्ति है। मंदिर के सामने ये मार्केट है। इस मार्केट में आपको मंदिर में प्रयोग होने वाली धार्मिक सामग्री, प्रसाद, बच्चों के लिए खिलौने और कुछ जो है खाने पीने की दुकानें स्थित हैं। ये सामने की मार्केट है। यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं जिनमें मंदिर का प्रसाद मिलता है, और यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ खेल कूद का भी प्रबंध किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो माता के मंदिर के सामने जो दुकान है मैंने आपको मार्केट दिखा दी है, जहाँ पे अभी मैं हूँ यहाँ पे पार्किंग है, जहाँ पे मंदिर के लिए जो है जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह है ये।